हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ सूरज और मैं आज आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट टू बताने जा रहा हूँ, जिसमें संतृप्त हाइड्रोकार्बन के बारे में पिछले वीडियो में भी मैंने बताया था और आज मैं उसे आगे की ओर ड्राइव करूँगा, आगे की ओर इसमें और जानते हैं हम लोग। तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन वैसे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन परमाणुओं की चार संयोजकताएँ एकल बंधन के साथ जुड़ी रहती हैं, संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाती हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर मीथेन का एक फॉर्मूला लिखा है, जिसमें कि ये कार्बन जो है वो चार संयोजकता है, इसकी वैलेंसी जो है होती है चार, इसकी चारों वैलेंसियाँ जो है वो चारों हाइड्रोजन के साथ एकल बंधन के साथ इस प्रकार से जुड़ा रहता है। इसलिए इसको जो है बोला गया, एकल बंधन के साथ अगर जुड़ा हुआ रहेगा तो यह संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाएगा। इसका फर्स्ट वीडियो में मैंने इसको अच्छे से समझाया कि किस प्रकार से यह जुड़ा रहता है। आज मैं शॉर्ट में इसको बताऊंगा आगे फटाफट। आगे देखते हैं, IUPAC प्रणाली के अनुसार जो है संतृप्त हाइड्रोकार्बन को एल्केन जो है वो कहा जाता है। यहाँ पर एल्केन शब्द इसमें दिया गया है, किसे एल्केन कहा जाता है। अब देखिए इसका जो सामान्य सूत्र होता है वो क्या होता है, तो इसका जो सामान्य सूत्र होता है वह है CnH2n+2, जो मैंने कि बताया पिछले वीडियो में, जो है मैंने इसके बारे में बताया है। n जहाँ पर, यहाँ पर जो n स्टार्ट होगा वो 1, 2, 3, 4 डॉट 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 नेचुरल नंबर से स्टार्ट होगा। और एल्केन का जो प्रथम सदस्य होता है, एल्केन का जो प्रथम सदस्य है वह है मीथेन, मीथेन। और इसका जो द्वितीय सदस्य है उसे कहते हैं इथेन। और इसके बाद जो आता है वो आता है प्रोपेन। इसके बाद जो आता है वो है ब्यूटेन। अब इसका सूत्र देखिएगा कि जबकि n का वैल्यू जो है n=1 रहेगा, तो इस फॉर्मूले के ऊपर जब आप बिठाओगे तो क्या हो जाएगा, CnH2 1+2=CH4। इसमें देखिएगा n=2 जब आप 2 लेते हो तो क्या हो जाएगा, C2H2×2+2=हो जाएगा C2H6। फिर यहाँ पर जब n=2 आप 3 लोगे तो C3H2×3+2=हो जाएगा C3H8। और इसी प्रकार से ब्यूटेन में देखेंगे, इसी प्रकार से ब्यूटेन में देखेंगे क्या होता है, तो ब्यूटेन में होगा C4H10 हो जाएगा यहाँ पे C4H10। तो इसी प्रकार से ब्यूटेन, पेंटेन, हेप्सेन, ऑक्टेन, नोनेन, डेकेन, इस तरह से आते जाता है कंटिन्यू। तो मैंने यहाँ पे चार पांच बताया है मेथेन के बारे में, क्योंकि पहले वीडियो में मैंने मेथेन के बारे में और संतृप्त हाइड्रोकार्बन्स के बारे में डिटेल्स में बता दिया था, इसलिए मैं आज इसको शॉर्ट में, ताकि आपका रिवीजन हो जाए, इसलिए मैंने सो यहाँ तक बताया। अब आगे चलते हैं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन पे। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन वैसे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन परमाणुओं की चारों संयोजकताएं द्विबंधन या त्रिबंधन के साथ जुड़े हो तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं वो, और संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाएंगे। यानी कि यहाँ पर देखिएगा दो चीज़ों पर फोकस किया गया है, यहाँ पर जो है आपका द्विबंधन और त्रिबंधन, द्विबंधन और त्रिबंधन के साथ, द्विबंधन यानी कि कार्बन परमाणुओं के बीच, कार्बन कार्बन परमाणुओं के बीच द्विबंधन बना हुआ होगा या कार्बन एटम्स के बीच में त्रिबंधन बना हुआ रहेगा। इस तरीके का अगर हुआ तो समझ जाएंगे हम लोग कि यहाँ पर क्या है, यहाँ पे क्या है कि ये असंतृप्त हाइड्रोकार्बन्स होगा, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन्स होगा यानी संतृप्त यह नहीं है,
तो इसमें सबसे पहले कौन आता है कि सबसे पहले द्विबंधन के साथ अगर होगा तो द्विबंधन के साथ आते हैं आपके अल्कीन। ठीक है, और ये त्रिबंधन के साथ इसका जो कैटेगरी बटा हुआ है वह है एल काइन। इसका जो नाम है वो है एल्काइन। तो यहाँ पर एल्कीन के बारे में सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे। एल्कीन में एल्कीन को किस प्रकार से डिफाइन किया जाएगा, एल्कीन के बारे में हम लोग पढ़ते हैं और एल्कीन का डिफिनेशन तैयार करते हैं, और उसके बाद हम लोग इसको डिटेल्स में पढ़ेंगे। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन को दो भाग में बांटने के बाद हम एल्कीन को परिभाषित करते हैं और एल्कीन के बारे में परिभाषा देते हैं कि वैसे हाइड्रोकार्बन्स जिनमें दो कार्बन परमाणु आपस में द्विबंधन यानी द्विबंध द्वारा जुड़े होते हैं उसे एल्कीन कहते हैं। यहाँ पर मैंने द्विबंध से अंकित किया कि कार्बन दो एटम्स जो है उसके जुड़े हुए रहेंगे द्विबंधन के साथ, तो उसको आप क्या कहोगे, एल्कीन के कहोगे। और इसका जो एल्कीन का जो सामान्य सूत्र होता है वह होता है CnH2n, इसका फॉर्मूला होता है। और यहाँ पर n का जो वैल्यू है वह स्टार्ट होता है 2 से, 2, 3, 4, 5 इस तरह से आगे की तरफ चलता है। तो इसके जो पहले होंगे, पहला जो इसका भाग होगा जिसे हम जानते हैं, जैसे कि मान लीजिए कि n इक्वल टू आप 2 लेते हैं और इसे क्या लिखेंगे, n इक्वल टू अगर आपने 2 लिया तो फॉर्मूला बेस पर हो जाएगा C2H2 × 2 = C2H4, और C2H4 को क्या कहते हैं, तो एल्केन, इसमें एल्कीन है तो इसमें क्या हो जाएगा, एथीन हो जाएगा, इसे एथीन कहा जाता है, एथीन कहा जाएगा, इसका नाम हो गया एथीन। अब ये किस प्रकार से जुड़े हुए हैं उसे देखते हैं, ये जुड़े हुए किस प्रकार से, तो इसमें इसमें देखिएगा कि यह जो जुड़ा हुआ रहता है वह इस प्रकार से जुड़ा हुआ रहा, कार्बन के दो एटम डबल बॉन्ड के साथ और हाइड्रोजन है 4, तो आप यहाँ पर इस प्रकार से इसको अरेंज कर सकते हो। अब यहाँ पर ये हो गया, इसके और भी एग्जांपल्स देखते हैं। तो इसमें यदि एन का वैल्यू को यहाँ पर ले लिया जाए 3, तो देखेंगे क्या होगा, तो C3H क्या हो जाएगा, 2 × 3 = हो जाएगा C3H6। तो इसका नाम क्या होगा, तो इसका नाम देखिएगा प्रोपीन होता है इसका नाम, क्योंकि लास्ट में जो हमने बताया कि इसका जो नाम हो जाएगा पीन आ जाता है प्रोपीन, तो इसका नाम हो गया प्रोपीन। अब इसमें एक चीज़ देखेंगे, कार्बन के तीन एटम हैं यहाँ पर 1, 2 और 3, तो कार्बन के केवल दो परमाणुओं के साथ ही आपको क्या करना है, अरेंज करना है इसमें द्विबंध, और बाद बाकी के साथ द्विबंध अरेंज नहीं होगा। ये नहीं कि आप सभी के साथ इसमें अरेंज कर देंगे द्विबंध, वैसा नहीं होगा, केवल दो ही के बीच होगा और बाद बाकी के साथ सिंगल बाउंड रहेगा। उसी प्रकार से यदि एन का वैल्यू जो है वो 4 हो जाता है तो आप C4H2 × 4 यानी कि C4H8, जिसका नाम क्या होता है, ब्यूटीन हो जाता है, इसका नाम ब्यूटीन हो जाता है। तो इसे किस प्रकार से स्ट्रक्चर के रूप में डिफाइन करेंगे, इस प्रकार से सभी जगह पर एच को रख देंगे, एच का जो नंबर है वो भी काउंट कर सकते हैं आप, कितने एच होंगे यहाँ पर, H1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 हो गया। तो इसका मतलब ये हमारा स्ट्रक्चर जो है वो सही है।
हमारा लास्ट इसका और संतृप्त हाइड्रोकार्बन में लास्ट एल्काइन आ जाता है। तो एल्काइन का साधारण रूप से हम इसका डायरेक्ट पढ़ लेते हैं, जिसके कार्बन के एटम्स के बीच में त्रिबंध रहेगा, तो उसको आपका क्या कहोगे, एल्कीन कहोगे। जैसे यहाँ पर त्रिबंध है तो ये एल्कीन कहलाएगा, और मैंने जो एग्जाम्पल यहाँ पर दिया है तो इसे एसिटिलीन, इसका जो सामान्य नाम है, इसका जो पहले चरण का जो नाम होता है उसे आप एसिटिलीन भी कह सकते हो। C2H2 को एसिटिलीन भी कहा जाता है, एसिटिलीन गैस कहा जाता है। पहला लेटर एसिटिलीन, प्रथम वाला एसिटिलीन होता है, तो इसका नाम आप एसिटिलीन जानेंगे। एसिटिलीन पहला स्टार्टिंग में, और इसमें अगर बढ़ते जाएगा, और इसका सामान्य सूत्र भी जान लेते हैं। पहला तो स्टार्टिंग बोल दिया मैंने, और इसका सामान्य सूत्र, CnH2n- यहाँ पर आ जाता है 2। इस प्रकार से अरेंज किया गया, और यहाँ पर एन का जो नंबर है वो 2 से स्टार्ट होता है, यहाँ पर भी 2, 3, 4, 5 आते जाएगा आगे की तरफ। और पहला एसिटिलीन होता है, आप इसको बैठा के देख सकते हैं। दूसरा जो होगा तो प्रोपलीन होगा, दूसरा प्रोपलाइन, तीसरा ब्यूटाइन हो जाएगा, और इस प्रकार से कंटिन्यू ये बढ़ते रहेगा। मैं आपके लिए दूसरा वीडियो लेकर आऊँगा, जिसमें कि क्रियाशील समूह के बारे में मैं आपको बताऊंगा, तथा संतृप्त हाइड्रोकार्बन और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के बीच में डिफरेंस को, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के बीच के डिफरेंस को भी मैं बताऊंगा। आज के इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।